हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं गौतम और फिर से स्वागत है आपका बॉडी मूव यानी फिटनेस वाला शो। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है एन आवर। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं, एन आवर है क्या, कैसे यूज़ करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही एम है, एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे यूज़ करें। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एन आवर की, तो मेडिकल कंडीशंस में इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनकी सर्जरी होती है या उनको मसल लॉस की प्रॉब्लम है, जिनको मसल लॉस की बीमारियाँ होती हैं कि उनका मसल रिटेन नहीं हो पा रहा है, वो लॉस होता जा रहा है, जैसे एड्स जैसी बीमारियों में होता है, तो डॉक्टर इनको उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। लेकिन आज की डेट में बॉडी बिल्डर्स भी इसको एज ए स्टैक यूज़ करते हैं, रिप्ड होने के लिए, कटिंग करने के लिए, अपनी कटिंग स्टैक में एन आवर को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने आप को मस्कुलर और लीनर दिखा सकें। एन आवर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और एनाबॉलिक स्टेरॉयड की अगर मैं बात करूँ तो एन आवर सबसे सेफ ड्रग होगा एनाबॉलिक स्टेरॉयड में, क्योंकि ये बहुत माइल्ड होता है। इसको फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं सेफ वे में। तो मैं आज तीन टॉपिक कवरूंगा कि एन आवर को लेने से आपकी स्ट्रेंथ में कैसे फ़र्क पड़ता है, आपके फैट लॉस में कैसे फ़र्क पड़ता है और इसका हॉर्मोन्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तीन चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर वन अवेलेबिलिटी की। ये मिलता कहाँ पर है? ये मिलता है आपको केमिस्ट शॉप पे, या आपके ट्रेनर के पास मिल जाएगा, या आपको सप्लीमेंट स्टोर पे मिल जाएगा, ये आपके आपका कोई कोच है तो वो आपको ये प्रोवाइड करा देगा। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ओरल फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है टैबलेट फॉर्म में यूज़ करना। आपने देखा होगा लोगों को कि जब वो कोई स्टैक चला रहे होते हैं तो एन आवर की टैबलेट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है यूज़ करने में। इंजेक्टेबल फॉर्म में उतना कंफर्टेबल नहीं होता हर कोई, और टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं, तो आपको ये टैबलेट फॉर्म में यानी ओरल फॉर्म में आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको लेने से स्ट्रेंथ में कैसे फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब आप एन आवर इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में एन आवर इनटेक करने के बाद नाइट्रोजन लेवल जो होता है, जो आपकी मसल्स के अंदर रिटेन होने लगता है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन रिटेन होगा, उतना ज़्यादा आपको बूस्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप उतना ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्कआउट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करेंगे तो जो आपका फूड बर्न हो रहा है उसको ये एज ए कैलरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब वो फूड, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, वो फूड से जो कैलरी मिल रही है वो आप एनर्जी के तौर पर यूज़ कर रहे हो, तो आप जल्दी से जल्दी लीन होंगे, आपकी मसल में हार्डनेस आती है और बूस्ट मिलता है, मसल में पंप आता है जब आप एन आवर यूज़ करते हो। क्योंकि मसल के अंदर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन रिटेन होगा, मसल उतना ज़्यादा पंप और हार्ड होने लगता है, मतलब उसमें रिबनेस, उसमें मस्कुलरिटी आने लगती है। अब बात करते हैं कि ये फैट लॉस में कैसे काम करता है। देखिए, एन आवर को यूज़ करने से ऐसा नहीं कि एन आवर आपने यूज़ किया वो डायरेक्ट आपके फैट सेल्स को अटैक करेगा, नहीं। जब आप एन आवर इनटेक करते हैं तो जब एन आवर इनटेक हो गया तो वो उस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है जिससे आपका फैट बर्न होता है। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाओगे क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है। अब बॉडी में जो दो फैट होते हैं, एक होता है जो ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है और दूसरा जो होता है वो होता है आपकी स्किन के नीचे, यानी मसल और स्किन के बीच का जो फैट होता है। तो बॉडी बिल्डर्स इसको इसी पर्पज़ से यूज़ करते हैं कि स्किन के नीचे का फैट है वो जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो, जिससे वो ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा वेस्कुलर और ज़्यादा लीन दिखाई दे, रिप दिखाई दे, मसल थोड़ा हार्ड नज़र आए। तो ये उस फैट को भी बर्न करने में हेल्प करता है। बेसिकली इसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी बॉडी बिल्डर या एथलीट होते हैं अपनी कटिंग स्टैक में एन आवर को ऐड करते हैं, और ये बहुत सेफ ड्रग है और ड्रग्स के मुकाबले। और अब हम बात करते हैं कि ये हॉर्मोन्स, यानी आपको एरोमेटाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी जब आप एन आवर ले रहे हैं तो आपको एस्ट्रोजन, जो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है, वो नहीं होती है। ये एन आवर का सबसे बड़ा फ़ायदा है। उससे होगा ये कि आपको गायनो की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैन बूब्स टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी,
इसको फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं, उनके डोसेज होते हैं अलग अलग, मेल का अलग होता है उसके एक्टिविटी के हिसाब से, फीमेल का अलग होता है उसकी एक्टिविटी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं डोसेज की, तो डोसेज में अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर में आपको 20 mg से 40 mg तक आप जा सकते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो 30 से 50 mg जा सकते हैं, लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो 50 mg से स्टार्ट करते हैं, वो 100 mg तक भी जाते हैं, 120 mg तक भी जाते हैं, वो उनके गोल के हिसाब से होता है। बट आपको सेफ वे में चलना है, अगर आप एन आवर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप वो साइकिल थेरेपी ज़रूर करें, जो इसके थोड़े बहुत जो साइड इफ़ेक्ट हैं आप उनसे भी बच सकें। तो कोशिश करें पोस्ट साइकिल थेरेपी आपकी सही से चलनी चाहिए, जब आप कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। मैं आने वाली वीडियो में पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में बताऊंगा कि पोस्ट साइकिल थेरेपी है क्या, कैसे काम करता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप पोस्ट साइकिल थेरेपी सही से नहीं कर रहे हैं तो आपने या तो कटिंग करी हो या गेनिंग करी हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी अगर आपने नहीं की तो आप अपना वेट या अपना मसल को रिटेन नहीं कर पाएंगे और लॉस होने लगता है। तो पोस्ट साइकिल थेरेपी बहुत ज़रूरी है, यानी PCT। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट में क्या है कि जब आप इसे लेंगे तो आपको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होगी, हेडेक की प्रॉब्लम होगी, हेयर लॉस होगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोशिश करें, आपकी डाइट अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, आपकी वर्कआउट अच्छा मेंटेन होना चाहिए और पोस्ट साइकिल थेरेपी ज़रूर करें ताकि आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और वीडियो जल्दी से जल्दी बनाकर अपलोड कर सकूं और आपको जल्दी से जल्दी और चीज़ों के बारे में पता चले। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में उसे डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर उस वीडियो बनाने की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ध्यान रखें अपना और अपनों का। टेक केयर।